नमस्कार सभी लोगों को। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अभी लाइव था, वो आईडी से किसी कारणवश मेरा आईडी अभी नहीं खुल रहा था, पेज नहीं खुल रहा था, इसके लिए मैं आईडी से लाइव आया, कृष्णा यादव छोटा लालू आईडी से। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। आज दोस्तों अभी लाइव आने का एक बड़ा बड़ा अंदर से आज मैं दुखी हूँ। और आज की जो स्थिति है, अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा है, कल शाम से ही चल रही है न्यूज़, लेकिन मैं अभी देखा और पूरी उसकी जांच पड़ताल करके आपके पास बैठा हूँ मित्रों। बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है और इसमें सभी लोग लगता है जुड़ गए हैं, सभी लोग को मेरा नमस्कार रहेगा। बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है और इसमें तमाम बीजेपी के वैसे माननीय सांसद, वैसे पूर्व मंत्री रह चुके हैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, ये दोहरी चरित्र क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? आपको जनता को मदद करना चाहिए, क्यों किस चीज का बदला ले रहे हैं तमाम बीजेपी के माननीय सांसद लोग, तमाम बीजेपी के विधायक क्यों ले रहे हो भाई ऐसे आम पब्लिक को? क्या बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के तमाम सांसद? दोस्तों आज हम बहुत दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि बीजेपी के वो अभी छपरा से सांसद है माननीय राजीव प्रताप रूडी, और उनके यहाँ देखा गया कि 100 से ज्यादा एम्बुलेंस वर्तमान में 60 खड़ी है और कई एम्बुलेंस इधर उधर कई जगह लगा हुआ है। और बिहार की ये स्थिति है दोस्तों, लोग मर रहे हैं एम्बुलेंस के कारण, गैस ऑक्सीजन गैस के कारण, और बीजेपी के तमाम सांसद और वैसे लोग, इन्हें मदद करनी चाहिए, एम्बुलेंस ज्यादा से ज्यादा भेजनी चाहिए गरीबों के लिए, और आप जो है इस स्थिति में एम्बुलेंस को छिपा करके, झांप करके, ढक करके उसको रखे हो। ये बिहार के साथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा बिहार से दोहरा चरित्र और दोहरा भेदभाव कर रहे हैं, दोहरी नीति है इनका। हम आप तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे दोहरी नीति वाले सरकार को आप भगाएं समय आने पर, और उसे अभी जवाब दें। बताइए अभी बिहार के लोगों को क्या चाहिए, एम्बुलेंस की जरूरत है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। वैसे लोगों से हम सख्त कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, बिहार की जनता को आप नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। बिहार की जनता को चाहिए ऑक्सीजन, बिहार की जनता को चाहिए एम्बुलेंस, बिहार को जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य और हॉस्पिटल की, शिक्षा की जरूरत है, तब आप करवा रहे थे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और ऊपर से कह रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, आप क्यों सांसद हो भाई, क्यों सांसद बैठे हो छपरा से? आप लगातार दो बार से सांसद हो माननीय राजीव प्रताप रूडी जी और बीजेपी के तमाम नेता, आप लोगों ने क्यों नहीं इस सवाल को उठाया है? ये स्थिति है इनकी। सभी लोग से निवेदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बोलते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसे मंत्री और सांसद को खींच खींच करके बाहर फेंकने का काम करें आने वाले समय में। बताओ ये स्थिति है, किस चीज का बदला ले रहे हो भाई? माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एम्बुलेंस की कमी नहीं है। अरे भाई
आम जनता मर रही है, डॉक्टर की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम राजद के साथियों को, माननीय तेजस्वी जी को, कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर अभी कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों को भेजने का काम किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है राजद की ओर से। हम सैल्यूट करते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को, कि जिन्होंने अभी इस महामारी में बहुत सारी सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं, तमाम राजद के वो सिपाही, और राजद के ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी बांटने का काम कर रहे हैं, उन सभी लोग को मैं सैल्यूट करता हूँ। और उजागर करने वाले आदरणीय पप्पू यादव जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, कि वो बिहार के सच्चे लाल हैं, इस महामारी में घूम घूम करके इतने लोगों को मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं वो। तो आप लोग से एक ही निवेदन है मित्रों, ऐसे लोगों के खिलाफ आने वाले समय में इनको गद्दी से झमोड़ करके फेंकने का काम करें, बताओ। और ये लोग हमें कहते थे कि लालू के राज में जंगल राज आ गया, जंगल राज है रे भाई, अभी कौन सा मंगल राज है? माननीय बीजेपी के तमाम सांसद से मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा मंडल और कमंडल और जंगल अभी चल रहा है, ये कौन सा मंगल चल रहा है? सारी एम्बुलेंस का जवाब कौन देगा भाई? इतने सारे एम्बुलेंस कहां थे, क्यों क्यों बंद थे? कहते कि ड्राइवर नहीं है। आप सांसद क्यों हो, किस लिए सांसद हो? तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और तत्काल जो है जल्द से जल्द, अभी भी थोड़ी भी शर्म बची हो तमाम बीजेपी के सांसद विधायकों को, तो अभी तुरंत एम्बुलेंस चालू करवाएं जो ठप पड़ी है। देश की जनता आपकी दोहरी चरित्र को देख रही है माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी। एक तरफ कोलकाता में आप जाके चुनाव करवाते हो, ये आपकी नीति है, और एक तरफ बिहार की जनता महामारी से, पूरा देश की जनता मर रही है, और आपको पंचायत चुनाव यूपी में करवा रहे हो, और उसके बाद देश में कोलकाता में जाके आप बंगाल चुनाव करवाते हो। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। एक भी काम बीजेपी के लोगों ने नहीं किया है इस महामारी में, और कह रहे हैं कि यहाँ तो ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं है, तो क्यों मंगवा रहे हो ऑक्सीजन बाहर से? क्यों क्यों मंगवा रहे हो? छोटा लालू पूछना चाहता है, और छोटा लालू ही नहीं, मैं ही नहीं, पूरा बिहार की जनता बीजेपी के तमाम उन लोगों से और वैसे लोगों से पूछना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता है कि भाई आपकी ऑक्सीजन कहाँ है? आप क्यों कहते हो कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है? क्यों मर रहे हैं? कैसे मर रहे हैं लोग? दोस्तों माफ कीजिएगा, क्योंकि आज बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके बीच ऐसे आवाज उठा रहा हूं। तो हम सभी लोग से विनती करते हैं कि दोहरी नीति वाले को आप पहचानो, ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे सरकार जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है बिहार और भारत में, वैसे लोगों के खिलाफ आप समझिए। चारे तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी के बहुत सारे विधायक, हम लोग के विधायक काम कर रहे हैं, पप्पू यादव जी बेचारे इतने घूम रहे हैं, उनको सैल्यूट बार बार मैं करता हूं। उनको डर नहीं है कोरोना, थोड़ा भी उन्हें डर नहीं है। और कई हमारे ऐसे राजद के सिपाही, राजद के साथी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट, और तमाम बिहार के ऐसे प्राइवेट लोग भी मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी सैल्यूट करते हैं भाई, सहयोग करने के लिए इस महामारी में। अभी कोई राजनीति की बात नहीं है, बिहार की हालत देखो, यूपी से बदतर हो रही है, यूपी से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ हो रहा है। हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि अभी कोई राजनीति ना करे, अभी एम्बुलेंस की जरूरी है, स्वास्थ्य बचाने की जरूरी है, ऑक्सीजन गैस की जरूरी है। आदरणीय नीतीश जी से हम विनती करते हैं कि अभी राजनीति मत कीजिए, हॉस्पिटल में बेड की जरूरी है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की जरूरी है, डॉक्टर्स की जरूरी है, प्लीज नीतीश जी बिहार के लोगों को मदद करो।
और सबको स्वस्थ स्वच्छ बनाओ, स्वस्थ बनाओ। सभी लोगों को बार बार प्रणाम। और एक बात कहना चाहेंगे, हिम्मत मत हारना मेरे मित्रों, आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार के साथ खड़ी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, हम सब खड़े हैं मदद के लिए, जहां तक मदद होगा हम लोग करेंगे। कहा गया है, बाबू कुंवर सिंह ने कहा था, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हम लोग जंग जीतेंगे, कोरोना से जंग जीतेंगे, कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा, देश जीतेगा, बिहार की जनता जीतेगी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग घबराने, हिम्मत से रखिए, बलपूर्वक भगाओ इस कोरोना को, लड़ाई रखिए और हंसिए और अपने आप को मजबूत बनाइए इस स्थिति में। घर में रहिए, अपने से बड़ों का केयर कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, यही दोस्तों कहेंगे। और ख़ास करके बच्चे लोगों से, हम उम्र के सभी साथियों से, बुज़ुर्गों से, कि उनका ख्याल रखें, आप बाहर ना जाएं। और इस स्थिति में तो यही कहेंगे, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर से ही आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे सरकार को, ऐसे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सांसद लोगों को शर्म आए, और वो हम लोग को देख करके, वीडियो को देख करके हम लोग को मदद करें। और आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में आप इसका जवाब देंगे, हम जानते हैं दोस्तों। तो हम कहते हैं, कड़े के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद कोरोना से, घबराए के नहीं खे, सब लोग एक हो जाएं, घर में रहें और अपना स्वास्थ्य के ध्यान दें। लालू जी के आवाज़ में हम दो शब्द कह देवे ला चाहत हैं, सब लोग के डिमांड बा, हम बोले ला नहीं खे चाहत, लेकिन हंसना भी जरूरी बा। काहे कि अभी हंसम तो बीमारी से थोड़ा सा दिमाग भटकी, कॉन्फिडेंस आई, यही लेल तत्पूर्वक सब लोग तैयार हो जाओ और बीमारी कोरोना के भगाओ, देश बचाओ, कोरोना से हम लोग जंग जीतेंगे। और हर एक जिला, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, तमाम लोग, तमाम जिला के लोग एक होकर के नरेंद्र मोदी और कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का काम करेंगे। और ऐसे सांसद के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे, इसको भगाओ, देश बचाओ, बिहार बचाओ, कोरोना भगाओ, और साथ में मोदी और नीतीश के धर को भगाओ रे भाई, और बिहार को बचाओ रे भाई, भगाओ मोदी नीतीश के, मकई के रोटी तवा में कोरोना उड़ गेलो हवा में, मकई के रोटी तवा में कोरोना उड़ गेलो हवा में, भगाओ कोरोना को। सभी लोग से बार बार अभिनंदन और प्रणाम सभी लोग को करते हैं। और घबराइए नहीं, इस समय लड़िए, डट के लड़िए, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, तमाम दोस्तों को नमस्कार और सभी लोग को प्यार भरा प्रणाम। जय राजद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय तेज तेजस्वी, जय तमाम राजद के उन सिपाही को प्रणाम जो इस समय काम कर रहे हैं। और राजद के ही नहीं, सभी लोग जो देश में इस तरह अभी इस महामारी में काम कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, जय भारत, नमस्कार।